कुलदीप बिश्नोई के घर पर 77 घंटे से ज्यादा छापेमारी आईटी विभाग के द्वारा की गई। हालांकि उनके बाकी ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई, लेकिन बात अगर उनके हिसार कोठी की जाए तो वहां पर समर्थकों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। लेकिन अब वहां पर आईटी विभाग की टीम नहीं है। क्या कुछ तस्वीर वहां से सामने है, इसका जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ विकास बिश्नोई ने। 4 दिन से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी आखिरकार खत्म हो गई है। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर 77 घंटे की कार्रवाई के बाद आईटी के अधिकारी यहां से चले गए हैं। एक एक करके सभी गाड़ियां, पहले ये जो मुख्य द्वार है इसके अंदर ले जाई गई। अंदर से गुपचुप तरीके से तमाम अधिकारी हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो अंदर बैठे और उसके बाद बिना किसी से मिले, बिना रुके वो तमाम गाड़ियां यहां से चली गई। बड़ी बात यह है कि भव्य बिश्नोई उस काफिले के साथ गए हैं, लेकिन एक अपनी गाड़ी से वो गए हैं, यानी कि खुद की गाड़ी, जिस गाड़ी से आदमपुर से आईटी के अधिकारी उनको यहां लेकर आए थे, उसी गाड़ी में बैठकर भव्य बिश्नोई यहाँ से आईटी अधिकारियों के साथ गए हैं। वो गए कहाँ हैं, कहाँ उनको ले जाया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली रजौकरी में जो फार्म हाउस है वहाँ पर भव्य बिश्नोई को ले जाया गया है, या फिर रोहतक जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वहाँ भव्य को ले जाया जाएगा, या फिर इनकम टैक्स के जो दिल्ली के अंदर ऑफिस है वहाँ भव्य को ले जाया जाएगा और उनसे पूछताछ होगी, ये बड़ी बात है। अंदर से जो खबर मिल रही है वो ये है कि तमाम जो अंदर का सामान था उसको बिल्कुल खुर्द बुर्द करके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अंदर चेकिंग की गई, चाहे बिस्तर हो, सोफे हो या फिर दूसरा सामान, सबको चीर फाड़ करके एक एक चीज़ को, एक एक सामान को बिल्कुल खुर्द बुर्द करके अंदर से कुछ खोजने की कोशिश की गई। लेकिन जो अंदर के लोग बता रहे हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा जिस उद्देश्य से आईटी के अधिकारी आए थे। दूसरी बात यह है कि आज सुबह से ही कुलदीप बिश्नोई के समर्थक जुटना शुरू हो गए थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, शायद वही दबाव था और आईटी के अधिकारियों को शायद कहीं लगा होगा कि मामला ज़्यादा गंभीर ना हो जाए, मामला ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि जब इसी तरह का माहौल आदमपुर में बना था तो गुपचुप तरीके से आईटी के अधिकारी वहाँ से भव्य को लेकर हिसार के लिए निकल गए थे, और आज हिसार में ऐसा माहौल बना है तो यहाँ से भव्य बिश्नोई को लेकर आईटी के अधिकारी चले गए हैं। अब गए कहाँ हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्या उनसे आगे पूछताछ होगी या फिर महज दिल्ली तक वो भव्य बिश्नोई उनके साथ जाएंगे। हिसार से कैमरामैन जगदीप के साथ विकास बिश्नोई।